What's up everybody, this is Abhishek and you're watching our vlog. Swagat aap sabhi ka, let's go! अगर मेरा लास्ट वीडियो देखा है ये वाला, तो मैंने इसमें बताया था कि नेक्स्ट सैलरी आते ही मैं इसे ले लूँगा. जैसी सैलरी आया सबसे पहला ऑर्डर हुआ ये, और मतलब थोड़ा हैवी खर्चा हो गया. मतलब अप्रॉक्स मैंने दो तीन चीज़ें मंगाई है इसके साथ, तो मतलब अच्छा खासा खर्चा भी हो गया. अप्रॉक्स 10,000 के आसपास खर्च हो गया. तो ये महीना ख़त्म मेरा अभी यहीं पे ब्रेक. आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए. मतलब आपको तो नहीं पता, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैंने इसको 10th क्लास में सोचा था लेने को और फाइनली आज मैंने ले लिया. तो इतना मतलब कोई सस्पेंस खेलने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि थंबनेल पे देख के तुम लोग मतलब ज़्यादा हीरो मत नहीं बनो. और तुमको मेरे एक्साइटमेंट का मतलब आइडिया लगाना है, तो मैंने थोड़ा टाइम दिखाता हूँ. अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी जो टाइम हो रहा है ये रात के दो बज रहे हैं. मैं अभी जस्ट ऑफिस आया, मतलब मैं जब ऑफिस के लिए निकल रहा था, प्रोडक्ट डिलीवर हो गया तो मैं फट से ऊपर आया, मैंने निकाल दिया सब, मतलब अनपैक कर दिया था. लेकिन मैं ऑफिस से आते सबसे पहले ये कर रहा है. मेरे को इतना एक्साइटमेंट है कि बस इसको खोल लो, जल्दी से वीडियो बना दो इसका और टेस्ट करो इसको, मतलब समझ सकते हो. तो बिना मतलब ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते इस वीडियो का. एक तो ये एंगल सेट करने मेरे को इतना टाइम लग जाता है. तो ये है वो प्रोडक्ट, एक ये है. तो हमारा जो सबसे मेन प्रोडक्ट है वो ये है. तो एज यू कैन सी, एक एक्शन कैमरा है, ये कैसॉन का है, कैसॉन CN10. यहाँ पे अगर आप देख लो इधर कैमरा, हाँ इधर, तो CN10 है. तो बाजू में हो जा बेटे, तो फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं. पहले मैं इन सबको छोड़ो, कैमरा को ही पहले अनबॉक्सिंग करता हूँ. तो कुछ नहीं है ये, तो ये जो है ये एक मेमोरी कार्ड है, ये 64GB का और U3 मेमोरी कार्ड है. और ये चलो जल्दी से इसको दिखाई देता हूँ. एक माउंट है जो कि हेलमेट पे लगेगा, जिसमें हम कैमरा को माउंट कर सकते हो. और इसके साथ एक ये जे माउंट आता है, ये भी ले लिया, चलो ठीक है. और इसके साथ ये एक स्टिकर आता है, एक कार्ड आता है. और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, फटाफट इसको अनबॉक्सिंग करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि मेरे को खुद नहीं रहा जा रहा है. मतलब मैंने बहुत लोगों का ऐसा रिव्यू वीडियो देखा इस कैमरे को लेके, जिसको लाइक इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक इसमें ये इसमें माइक साथ में मिलता है, तो बताते हैं. यार ओपन नहीं हो रहा. ये सबसे ऊपर में हमारा जो ये कैमरा है, और ये वाटरप्रूफ केस के अंदर ऑलरेडी मैं तो इसमें रख के दिया इन लोगों ने. चल फटाफट बाकी चीज़ें देख लेते हैं. और ये कुछ इसकी जन्म पत्रिका, जिसका इसमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके सारे फीचर्स मुझे भी नहीं पता है. तो हर बार मैं बोलता हूँ ये फेंक दो, लेकिन इस बार नहीं फेंको, इस बार रख दो, ये काम आते हैं. एक और पत्रिका है इसकी, जो गिर गया कोई नहीं. इसमें दो बॉक्सेज हैं हमारा, ये दो बॉक्सेज हैं, ये अब खाली हो गया, तुम लोग आप जो कृपया साइड हो जाए. एक ये बॉक्स है, इस जो पहले छोटे वाले से स्टार्ट करते हैं. तो इसमें हमारा जो है सारे माउंट्स मिल जाएंगे. और हाँ, इसमें एक ये रिमोट भी है, जिससे क्या होगा कि लाइक अगर मैं इसका एक बैंड भी है, इधर अपने को डालना है हाथ पे, और मतलब राइड कर रहे हो कैमरा तो हेलमेट पे माउंट रहेगा ना, तो इधर से बटन दबाओगे क्लिक हो जाएगा, इधर से फोटो पिक्चर, और इधर से क्लिक करोगे तो ये हो गया हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा. तो स्टार्ट सॉप पॉज वगैरह का ये एक रिमोट है. इसके साथ ये कुछ माउंट्स आते हैं, 1, 2, 3, और एक ये इसका क्लैंप, पता नहीं इसको क्लैंप ही बोलते कि नहीं पता, एक ये आता है. और इसमें लाइक इसके साथ एक इनबिल्ट माइक तो दिया इन्होंने, बट अगर आप वो 2.5 mm है, अगर आपको 3.5 mm यूज़ करना है तो ये कनेक्टर यूज़ कर सकते हो. मतलब छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने दी है भाई, मतलब कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. सारी चीज़ें इन लोगों ने पैकेट में दे दिया. ये दो माउंट और आते हैं, मतलब मेरे को सारे माउंट्स का नेम तो नहीं पता, तो मैं ऐसे गलत नाम क्या बोल के. और ये दो हेलमेट पे लगाने के लिए माउंट है, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको. ये बॉक्स खाली, अभी दूसरी बॉक्स की बारी. इधर भी बहुत सारे माउंट है, ये माउंट है कुछ, एक ये है, एक और जे माउंट है. इसके साथ भी मुझे जे मिला है, लाइक जब मैंने ये लिया तो इसके साथ एक जे माउंट साथ में मिला है, बट मेरे पास दो दो जे माउंट होगा तो बड़ी अच्छी बात. और सबसे इंपॉर्टेंट माइक, अदर एक्शन कैमरा क्या करते हैं, माइक हमें अलग से परचेस करना होता, बट इसमें सारी चीज़ें साथ में देते हैं ये लोग. एक फाइबर क्लॉथ है, और ओह वाह, इसमें डुअल बैटरी है. बाकी कैमरास में हमें अलग से बैटरी परचेस करना होता है, जो कि अप्रॉक्स आपको, अगर इस कैमरा का एक बैटरी अप्रॉक्स 600-700 का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो मतलब 700 का, बट ये साथ में दे रहे हैं. और कुछ बैंड्स हैं जो मैंने बताया, हाथ में पहनने के लिए, कहीं पे माउंट करने के लिए कैमरा को, ये बैंड है. और कुछ, अरे यार कितना इसका जन्म पत्रिका है. कुछ और भी है, मतलब बुक्स. और ये 3 mm टेप है इसमें, और ये एक हैंग करने के लिए एक मेटल का वायर है, और दो जिप टाई दिया इन्होंने. तो बस इतना ही सब कुछ, मतलब इतना क्या, बहुत कुछ है जितना इन्होंने दे दिया है. तो मेन चीज़ पे आते, ये रहा हमारा कैमरा. ओह माय गॉड, मतलब लग रहा होगा मैं ओवर एक्टिंग कर रहा, लेकिन सही बता रहा है यार, मतलब मैं तो पगला गया हूँ. मतलब बिहारी भाषा में बोलूँ तो पगला गए एकदम,
इसको देख के इतना टाइम से इस चीज़ को लेने का मतलब मन था ना भाई, इतना ज़्यादा टाइम से, कांट इवन इमेजिन मतलब कितना एक्साइटेड हूँ मैं। कवर है, इसको निकाल देते अपन, जा पे इसको हम लोग पहले निकालते हैं बाहर इस माउंट से, तो कुछ ऐसा करके ये बाहर आ जाएगा। आ जाए बाहर, हैवी है यार, मेरे को लगा इसके वजह से थोड़ा भारी है, बट ये खुद भी हैवी है। तो ये इसका वाटरप्रूफ केस हो गया हमारा, और पता नहीं मतलब मैंने बहुत ट्राई किया इसको अच्छे एंगल पे सेट करने का कैमरा को, इस वाले मतलब जिससे रिकॉर्ड कर उसको, इसको नहीं, बट अब पता नहीं कैसा हुआ, लेकिन ये ऐसे ही सेट हुआ। तो ये रहा हमारा कैमरा, और इधर एक और रैपर है, इसको भी निकाल देती है। आगे में भी एक रैपर है, इसको भी निकाल देंगे। इधर अगर आप देखोगे तो चार्जिंग के लिए एक मिनी HDMI है, SD कार्ड पोर्ट है, और जो माइक है डायरेक्ट हम इसमें प्लग कर सकते हैं, तो कुछ अलग से नहीं। इधर नेविगेशन बटन है, ओके बटन है, पावर बटन और मेन्यू बटन, मोड बटन साथ में यहाँ पे आगे में आप देख सकते हो इधर है। मतलब ये बिल्ड जो है ये प्लास्टिक की बिल्ड है, बट इट्स प्रीटी हैवी। इधर जो है इसका यहाँ पे क्लिप है, ये यहाँ पे इसकी बैटरी आती है, ऐसा कुछ, एक बैटरी उधर है और एक बैटरी इधर है। तो इसको अंदर डाल देते हैं, बंद हो जा। ओ ये हमारा कैमरा, इसको फटाफट, उप्स फिंगरप्रिंट्स आ गए, क्लीन करो, सॉरी, नया है ना अभी तो थोड़ा केयर करना पड़ता है। तो यहाँ से पावर बटन ऑन करते और देखते हैं, ये ऑन हो चुका है, एक साउंड भी कर रहा है, और देखो ये ऑन हो गया है। इसी वीडियो में इसको टेस्ट भी अपन करेंगे, और ये फुल टच स्क्रीन है, इसमें साथ में नेविगेशन बटन भी है, बट इफ़ इन केस लाइक वाटर प्रूफिंग केस है तो हम टच स्क्रीन काम नहीं कर सकते, तो नेविगेशन बटन इसमें वर्क करेगा उस टाइम पे। ओके ये मतलब स्क्रीन सेविंग मोड पे, तो ये लॉक हो जाता है, तो जस्ट ड्रैग इट, लिटरली ब्रो आई एम टेलिंग, ये मतलब बिल्कुल फ़ोन के स्क्रीन टच के जैसा है, इतना स्मूथ है ना, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और इसकी प्राइस भी ज़्यादा नहीं, अगर सिर्फ कैमरे की प्राइस की बात को मतलब इस बॉक्स की, तो ये मेरे को एग्जैक्टली 7,864 रुपीज़ का मिला, और कुछ कुछ उसके एक्सरेज थे जैसे मेमोरी कार्ड और ये माउंट करके, अप्रॉक्स मेरे को 9,800 समथिंग आ गया, तो मतलब अप्रॉक्स 10,000 मेरा खर्च हो गया इस पर, बट वर्थ इट है यार, बहुत प्यारा। लेकिन देखते भाई क्वालिटी कैसा होगा इसका, क्या सही लग रहा है मेरे को यार, लिटरली मैं तो मैंने इसको यूट्यूब पे ही देखा है, वीडियोस लोग इसे बनाते तभी देखा है, कभी हाथ में इसको नहीं लिया था, लिटरली टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी हाथ में इसको टच नहीं किया किसी भी एक्शन कैमरा को, फर्स्ट टाइम मैंने खुद खरीद लिया। चलो अभी फटाफट इसमें मेमोरी कार्ड डालते हैं और देखते हैं। 6.5 hours later। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग, कल दिखाया था कि मतलब आपके लिए तो ऐसे 5 मिनट पहले या 2 मिनट पहले दिखाया था कि 2:30 वाले रात के, तो अभी हो गया सुबह, मैं सो गया था, अभी जस्ट सो के उठ रहा, तो शक्ल देख के बता सकते हो कि हाँ मैं अभी सो के ही उठ रहा हूँ। तो अभी लाइक कल रात को पॉसिबल नहीं था कैमरा टेस्ट करना, बट अभी है क्योंकि अभी तो सुबह हो गई, तो जाते हैं और कैमरा फटाक से लेते हैं और सेटिंग करते हैं, जल्दी से इंस्टॉल करते हैं हेलमेट में। हेलमेट पे लगा दिया है, बताओ कैसा लग रहा है। ये क्लैंप जो लगा है वो वाटरप्रूफ वाला नहीं है, नॉर्मल वाला, ताकि मैं इसमें यहाँ पे ऑडियो जैक भी डाल सकूँ इसका, क्योंकि वाटरप्रूफ केस में हो जाएगा तो कुछ भी आप मतलब इसमें ऑडियो पिन वगैरह माइक वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, वो पूरा पैक हो जाएगा, तो इसलिए भी इसको डाल के रखा है। और बताओ कैसा लग रहा है, अच्छे से मैंने इसको भी डाल दिया। तो सीधा आपको मिलते हैं मोटर व्लॉगिंग सेटअप में, चलो। तो अभी हम लोग जो जाएंगे, आज बाइक लेके नहीं जाएंगे, आज हम लोग स्कूटी लेके जाएंगे, क्योंकि इसको भी चलाना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत टाइम से स्कूटी को किसी ने नहीं चला, इसको फटाफट चलो साफ करते हैं थोड़ा। बस इतना काफ़ी है। तो जब से अभी जीजू गए हैं, इसको बहुत टाइम हो गया चलाए हुए, बस चालू हो जाना मेरे भाई। अबे क्या बात है भाई, एक बार थोड़ी सी तारीफ क्या की, अभी चालू हुआ था, तारीफ सुना बंद हो गया। बहुत नकली करता है भाई, चलो बताओ कैसा है। और थोड़ा मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि विंडोज आ रहा होगा, मैंने उसमें वो फोम वगैरह डाल दिया, बट मुझे लग रहा है अभी भी विंडोज होगा कहीं ना कहीं। तो अभी तो मैंने जितने भी लोगों का इसका रिव्यू देखा है,
सबने यही बोला है कि कैमरा तो सही है, मतलब कैमरा ठीक है। इसका माइक का थोड़ा सा इशू है क्योंकि माइक उतना प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, मतलब तो काम कर रहा है लेकिन वो एक क्वालिटी नहीं आ रही है, माइक बहुत ज्यादा हार्श हो जा रही है वॉइस, मेरे को तो एग्जैक्ट नहीं पता, फिर भी चलो देखते हैं। और बहुत टाइम के बाद स्कूटी चला रहा, मतलब ठीक है इतना ही, बहुत टाइम नहीं तो जब थोड़ा सा मतलब अभी खाली है तो थोड़ा 50-60 पे रख के देख रहा है कि विंड नॉइज आ रहा है कि नहीं आ रहा, और विंड नॉइज मेरा वॉइस कैसा आ रहा है क्योंकि मेरे को तो नहीं पता कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा, भगवान ही जाने भैया, क्योंकि वो तो एडिटिंग में बैठूंगा तभी पता चलेगा। मतलब कैमरे के स्पीकर से अगर मैं सुनूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा खुर 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 करके आवाज आती है, तो उसको नहीं बता सकते हैं क्योंकि उसका स्पीकर का क्वालिटी में इतना सा कैमरा उसमें भी इतना सा स्पीकर कितना ही बेचारी की जान लेंगे भाई। आप ये बताओ कैमरा एंगल, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने अभी ये कैमरा एक्शन कैमरा हेलमेट पर सेटअप किया, तो आई एम नॉट श्योर कैसा होगा, मतलब कुछ सामने से आ भी रहा है कि बस हैंडल आ रहा है या बस आसमान आ रहा है, सामने कुछ दिख भी रहा है, चलो देख रहा है वो भी, मेरे को घर जाके ही पता चलेगा। मतलब वीडियो रेजोल्यूशन 180 पे इसलिए अभी रिकॉर्ड कर रहा क्योंकि जितने लोगों का सुना है सब बोल रहे हैं इस कैमरा में 180 भी काफी अच्छी क्वालिटी देता है, और डे टाइम और सनी डे हो तो काफी अच्छी क्वालिटी दे देता, और ब्लैक थार देखा नहीं जाता है मेरे से, वरना ड्राइव नहीं कर पाऊंगा फिर आगे, सिर्फ उसी गाड़ी पे नजर रह जाएगी। हाँ तो देखो जब भटक गया ना अभी मैं, हाँ तो क्या बात कर रहे थे, रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे। ओके तो यहाँ पे मैं थोड़ा वॉइस ओवर कर रहा है क्योंकि थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो अभी जो ये रिकॉर्डिंग चल रही है ये 180 फ्रेम पे रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इसको 4K 60 फ्रेम पे भी रख सकता था बट डेटा ट्रांसफ़र करने में और एडिटिंग करने में थोड़ा लैग आता है, क्योंकि अगर आप 4K 60 फ्रेम पे रख रहे हो तो आपका मेमोरी कार्ड स्पेस भी ज़्यादा खाएगा, उसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए और ट्रांसफ़र करने में थोड़ा लैग होता है, और एडिटिंग मेरा जो लैपटॉप में एडिटिंग सॉफ्टवेयर है थोड़ा प्रॉब्लम होता है 4K पे इसको एडिट करने में। आई थिंक यूट्यूब के लिए 180 बेस्ट और इनफ होता है, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया 180 रखने का। अगर आपका चॉइस है 4K पे रखने का तो आप रख सकते हो। डर लग रहा है पता है क्या, अगर वीडियो कॉल मतलब वीडियो ठीक है सॉरी बार-बार वीडियो कॉल भी आ जाता हूँ मैं, अगर वॉइस मतलब माइक अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, मेरे को घर जाके बैठ के मतलब वॉइस ओवर करना पड़ेगा। देखते आते टाइम मुझे शायद रात हो जाए, अगर रात हो गई तो नाइट ड्यूटी देख लोगे शायद, क्या मेरे को पता है मैं घर से निकलता हूँ आने में रात हो ही जाता है अपना ऐसा ही चल, और मॉल में जाके मैं ये देखो ये क्या है प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं है, अभी मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा, ये इस कैमरे का रिव्यू चल रहा है, तो मैं उधर मॉल में जाने के बाद इससे व्लॉगिंग वगैरह नहीं करने जा रहा, तो मेरे ख्याल से ये सीन कट होगा यहाँ के बाद डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा नाइट सीन। मतलब मॉल में जाके मैं कुछ बकवक नहीं करूंगा, तो टेंशन ना लो आज मैं पकाऊंगा नहीं ज्यादा, मतलब ऑलरेडी मैं पका चुका हूँ काम बस। Last, try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back, what's my purpose, what do I grab? तो इस कैमरा की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना मैं वो आपको बता दूँ कि इसका जो कस्टमर सपोर्ट है इतना ज़्यादा अच्छा है ना ब्रो, मतलब पूछो मत, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मैंने जितने भी लोगों का क्योंकि हाँ मैं कुछ भी लेता हूँ ऐसे टेक वाली चीज़ तो यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखता हूँ, उनका रिव्यूज़ देखता हूँ, तो अभी तक मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई इस कैमरे से, बहुत मतलब ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि पैकेट में कोई माउंट मिसिंग है या फिर माइक जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट इन्होंने एक कार्ड दिया है जहाँ पर डायरेक्ट आप इनको व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब आप अपना एड्रेस दो, प्रॉब्लम बताओ, पिक्चर्स भेज दो कि हाँ ये नहीं है मेरे पास, मेरे को ये चाहिए, पैकेट में मिसिंग था, वो डायरेक्ट नया भेज रहे, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा, मतलब समझ रहे हो, ये आइटम नहीं है नया लेके जाओ, माइक नहीं है नया लेके जाओ, कुछ मतलब ज़्यादा कुछ नहीं टेंशन है। मैं भी सोच रहा है कि बोल दूँ कैमरा ही नहीं है पैकेट में, नया कैमरा आ जाएगा। तो अभी हमारा काम तो हो गया है, मॉल के पार्किंग से निकल रहे हैं, तो उसको अब टेस्ट हो जाएगा नाइट में कैसा है, और एक प्रॉब्लम ये है कि मैं नाइट में वाइजर बंद नहीं कर सकता क्योंकि वो फॉग वाली है, तो विजिबिलिटी तो नहीं होगी, तो विंड नॉइज बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो आई डोंट थिंक नाइट में शूट करना इज़ गुड आइडिया, तो बस एक टेस्ट करने के लिए मैं इसको भी शूट करूंगा थोड़ा बाहर चल के, क्योंकि अभी तो अंदर में तो पूरी अच्छी खासी लाइट है, तो कोई मतलब है नहीं। There we go.
तो ट्रैफिक इतना मिलेगा ना अभी इवनिंग के टाइम पे। अभी आकाश क्यों कॉल कर रहा है? चलो इसी बार ये भी टेस्ट हो जाएगा कि विंड में कैसा, मतलब वाइजर ओपन है तो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। ये भी ठीक ही है, क्या ही कर सकते हो, इसी का नाम है जिंदगी। मतलब एकदम सबर नहीं अंकल को, 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं। खैर सबर तो मेरे को भी नहीं है, अब क्या ही दूसरों को बोले। डोमिनार डोमिनार शायद मेरे को मतलब समझ में नहीं आया, शायद मैंने सिग्नल तोड़ दिया अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद गलती से टूट गया सिग्नल। और ये बेंगलोर का ट्रैफिक जीने ना देगा भैया हमें। कहाँ जाने के अपने को ऐसे? अच्छा राइट जाने का। नाइट का जो भी है व्यू देख लो, ऐसा ही है, वाइजर खुला है तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा, तो कोई मतलब है नहीं बहुत ज़्यादा शूट करने का नाइट में। वीडियो क्वालिटी मतलब अच्छी है कि नहीं ये मुझे देखना है मेन, क्योंकि इसका रिव्यू है। तो अब सीधा घर पहुंच के हम लोग मिलते हैं। जल्दी से पहले घर पहुंच गया, इतनी तेज सुसु लगी थी ना भाई, पहले सब कुछ छोड़ के बाहर हेलमेट पहन के गया, मेरे को कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो ये जो वीडियो है ये मतलब हमारा प्रॉपर कोई व्लॉगिंग नहीं था आज का, मतलब एक रिव्यू वीडियो कह सकते हो कैमरे का अपना। और मेरे को जहाँ तक लगा कि मतलब ऑडियो का इशू है, अभी तक मैंने कुछ चेक नहीं किया, वैसे हेलमेट लगा रखा हुआ है बस, कुछ नहीं है। अभी एडिटिंग में मेरे को पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो बस यही था पूरा टोटल रिव्यू, पूरा दिन खत्म। इंस्टा पे फॉलो मत करना, मैं बोल रहा हूँ नो करना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ये है इधर 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 यही वाला कर लेना अपना। और मैं अभी ऐसी हूँ, जाके फटाफट चेंज करूँगा, और ये हाथ बहुत दुख रहा है यार, तो फटाफट जाके अभी चेंज करूँगा, फिर बस चेंज करके देखता हूँ कुछ खाने का, क्योंकि घर पर कोई है नहीं, तो कुछ खुद से बनाऊँगा, वो सब वीडियो में नहीं करने वाला, मैं खुद से बनाऊंगा, फिर खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा, फिर बस इतना ही है। और एडिटिंग करूंगा, सॉरी नहीं सोना नहीं है, एडिटिंग करना है हमें, एडिटिंग करूंगा अभी। तो बस मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, टाटा बाबा हर बार नहीं, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करने से रहे लेकिन मैं बोलूँगा कि उसे शेयर करो। और मतलब वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम लग रहा कि हाँ कि हाँ ये चीज़ इंप्रूव कर सकते हो, ये चीज़ नहीं करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, तो बताओ, क्योंकि एक सेकेंड इसको काट ही डालूंगा मैं। हाँ तो कि ये चीज़ें इंप्रूव करो, ये नहीं करो, मतलब ऐसे जो भी मतलब बताओ, सजेशन दो, मैं उस चीज़ को ठीक करूँगा अपने अगले वीडियो में, ताकि अब ये भी हाथ दुखने लग गया। तो जो मिलते आपको अपने वीडियो में, आप मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।